नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम कल्पना प्रसाद है, मैं झारखंड रांची से हूँ और मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ फेमिना ग्रुप को। आज मैं सूजी का लिट्टी बनाने जा रही हूँ। सूजी की लिट्टी बनाने के लिए 1 कप सूजी और 2 कप पानी, स्वादानुसार नमक, इसे मैं डो तैयार करके रखी हूँ और स्टफिंग के लिए मैं सत्तू तैयार की हूँ। इसमें मैंने 1 कप सत्तू और धनिया पत्ता, 2 हरी मिर्च, 4 कली लहसुन, 1 इंची अदरक, स्वादानुसार नमक और कैरी अचार का मसाला। अब मैं इसे लिट्टी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं कढ़ाई गरम करूंगी। इसमें तेल डालूंगी रिफाइन। मैं सूजी का स्टफिंग करूंगी। थोड़ी थोड़ी हाथों में तेल लगाकर इस तरह से स्टफिंग करूंगी। इसे आराम से फोल्ड किया जाता है ताकि तेल में ये टूटे नहीं। मैंने इस तरह से पेड़ा तैयार की। मैंने 1 साइज के पेड़े तैयार कर लेती हूँ। थोड़ी से हाथों में तेल लगाकर ताकि आपके पेड़े हाथ में चिपके नहीं। आप चाहो तो इस सत्तू में 1 टीस्पून लेमन जूस भी डाल सकते हो या कैरी का अचार के मसाले भी डाल सकते हो। दोनों टेस्ट के लिए काफी अच्छी होती है।
चाहो तो इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, लंच में भी तैयार कर सकते हो, बच्चे को टिफिन भी दे सकते हो। काफी हेल्दी और टेस्टी होती है। ये देखें मेरी लिट्टी की स्टफिंग तैयार हो गई, ये इस तरह से देखने में लगेगी। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम में करके आराम से डालूंगी। लिट्टी काफी खिली खिली हो रही है। काफी खुरमुरी है। इसे चाहो तो आप लहसुन की सब्जी के साथ भी बना सकते हो। लिट्टी अब हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है। मैं इसे और थोड़ी ब्राउन कर रही हूँ। मैं इसे निकाल देती हूँ।
कुरकुरी सैंडविच के लिए, कुरकुरी सैंडविच बनाने के लिए ये देखें पीछे से ऐसी ब्राउन हो गई है, मैं थोड़ी सी आगे से भी थोड़ी ब्राउन कर देती हूँ। ये मेरी सूजी की लिट्टी तैयार हो गई है गर्मा गर्म। आप चाहो तो सॉस के साथ खाओ, या ग्रेवी वाली कुछ सब्जी, आलू की सब्जी, आलू बैगन की सब्जी, चोखे के साथ भी आप सर्व कर सकते हो इसे। ये मेरी कुरकुरी सैंडविच है, मेरी कुकरी सैंडविच बन गई है।